हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माहिनी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेंपरेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके टॉरस, बीच में अगर आप कार्ड देखेगा टेम्परेंस का, तो टेम्परेंस के साथ ये वीक होगा आपके लिए चेंजेस आएंगे जिसमें। ओके यहां पे आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे आप चाहे या ना चाहे यहां चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप एक अर्थ साइन है जो कि फिक्स रहता है। आपको चेंजेस बहुत पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से द मजिशियन के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि कोई ना कोई या आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहा है और आपको क्लियरली बता नहीं रहा कि उसके इंटेंशंस क्या है। वो हमेशा किसी तरीके का बहाना बनाते हैं, अपनी जो असली रीजंस होते हैं उनको नहीं बताते, और मेरे ख्याल से आप अपने पार्टनर को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं इस वक्त। आपके सामने वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट पर्सन है, लेकिन यहां किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। एक चीज आपको समझनी होगी कि ये पर्सन शायद आपके लाइफ से जाएगा इस वीक में, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं। और तो ये टेम्पररी रीडिंग है, और ऐसा हो भी सकता है, और मान लीजिए कि ये हो सकता है कि ये पर्सन परमानेंट ना जाए, बट कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स जरूर होंगे और चेंजेस जरूर आएंगे आपके रिलेशनशिप में। आपका नजरिया बदलेगा अपने रिलेशनशिप को देखने का। अगर आप ईयरली 2021 की भी रीडिंग देखना चाहें और प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। और हमेशा याद रखें कि ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पहली बार आप इस रिलेशनशिप में परेशान हुए हैं, आप पहले भी परेशान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हर्ट करता रहा है, लेकिन आपकी ये जो आदत है जल्दी से बदलने की नहीं, जल्दी से मूव नहीं करने की, जल्दी से चेंज नहीं लाने की, इसी के कारण आप इस पर्सन के साथ अभी तक हैं। लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे टॉरस लगातार, कि आपके लाइफ में कोई परफेक्ट पार्टनर हो, ऐसा पार्टनर हो जो आपको समझे, वो करे जो आप डिजर्व करते हैं, आपको अटेंशन मिले जैसे कि आप देते हैं, आपसे लॉयल रहे, तो वो विश पूरी हो रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन बदलने वाला है, इनफैक्ट इसका तो चेहरा आपके सामने आएगा इस वीक में कि ये कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आप ही की विश है जिसके कारण ये सब हो रहा है। जब ये नेगेटिविटी आपके लाइफ से जाएगी, उसके बाद ही कुछ नया होगा, नई जगह बनेगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ पाएगी। ओके चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर।
6 of swords. Queen of Pentacles. The World. Devil. Okay. टॉरस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है द वर्ल्ड और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मूवमेंट की. मुझे लगता है आपके लाइफ में चेंजेस सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं आएंगे, सिर्फ इमोशनल लेवल पे ही नहीं आएंगे, बल्कि द वर्ल्ड के कार्ड के साथ शायद आपको अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ सकती है और एक जगह से दूसरे जगह आप जाना चाहेंगे. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप हर चीज को पीछे छोड़ देंगे. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में से निकल भी गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप इसकी यादें कैरी करना चाहते हैं. जो एक्सपीरियंस आपको इस रिलेशनशिप में हुए और जो प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में थी उन सबको पीछे छोड़ के नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हैं और कहीं दूर जा रहे हैं जहां आपके लिए कुछ ज्यादा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं. आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है. ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन आप खामोखा इस रिलेशनशिप में पड़े हुए थे क्योंकि आपको चेंजेस नहीं चाहिए थे. और अब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब आप अकेली हैं तो यहां बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट शो करेंगे, ओके? लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि आप सिंगल हैं और यहां पे द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आप शायद वो जगह भी चेंज करना चाहेंगे जहां से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था या जहां ये पर्सन है. आप कहीं से भी इस पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहते. शायद आप एकदम से चीजों को खत्म करना चाहेंगे. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट में कि आपकी टॉलरेट करने की सीमा पार हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक ब्रेक चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए इस रिलेशनशिप से. और द वर्ल्ड के कार्ड के साथ आप वही करते हुए दिख रहे हैं. आप प्लान कर रहे हैं और आप मूवमेंट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. यहां द डेविल का कार्ड है. द डेविल के कार्ड के साथ आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, शायद नेगेटिव एनर्जी है. आप इस समय भूल जाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन चीजों को भूल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें हैं कि उनको उनका जो कर्मा है मिलना चाहिए, उनकी गलती उन्हें रियलाइज होनी चाहिए. और इस तरीके की थॉट्स जो हैं आपको नेगेटिव बना रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं. बेहतर होगा कि उनको तो उनका कर्मा मिलेगा ही, आप उनको उनके हाल पे छोड़ें और आगे बढ़ें. उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए, ज्यादा सोचेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी. और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो आप हैं ही, किसी के मोहताज नहीं है आप, आपको और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इस वीक में. Oracle message for Taurus. Heart's desire. The angels are supporting, guiding and protecting you as your dreams become a reality. तो आपके आसपास एंजल हैं, आपके साथ यूनिवर्स है और आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, तभी ये सब हो रहा है. जो चीजें आपको नेगेटिव लग रही हैं वो एक्चुअली इसलिए हो रही है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं.
ओके ये ऐसा ही है जैसे आप किसी गलत रास्ते पे बढ़ रहे हैं, रास्ते में ब्लॉकेज है, आपको मुड़ के सही रास्ते पे डायरेक्ट किया जा रहा है और आपको प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स किसी परेशानी में पड़ने से। तो आपके जो ड्रीम्स है वो सच हो रहे हैं, भले ही आपको ये बहुत अटपटा लग रहा है। ओके तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।